पिया हुक्मे गावे श्री महामती उड़ाए असत था प्योशत सब पर कलस हुआ आखिरत भाई नेरे नवखंडो आरती भाई नेरे नवखंडो आरती प्रगटे पूरण ब्रह्म सकल में इस कीर्तन की वाणी में हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए विशेष प्रबोधन दे रहे हैं। कृपा निध सुंदरवर श्याम, कौन आया है कृपा का निधान। ये 28वां कलयुग चल रहा है और इसमें कौन आया है कृपा का निधान। सब पर कृपा करने वाला वह पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद प्रकट हुआ है। वैसे तो यह संसार में प्रवृत्ति है जो जिसका आराध्य होता है, हर कोई अपने आराध्य को सर्वोपर देखता है। क्रिश्चियन से पूछिए वह कहेगा कि यीशु के सिवा और कुछ नहीं है। एक मुस्लिम के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग कुछ नहीं है। जो बल्भाचार्य मत को मानने वाले होंगे वो कहेंगे कि बल्भाचार्य के रूप में राधा कृष्ण ही साक्षात विराजमान होकर लीला कर, क्योंकि जिस पर जिसकी श्रद्धा अवलंबित हो जाती है उसके लिए व्यवस्था हो जाती है कि उससे बड़ा किसी को नहीं माने। जैसे एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी अपने पति से जो प्रेम भाव रखती है, एक झोपड़ी में रहने वाली महिला भी अपने गरीब पति से वैसी ही भावना रखती है। एक राजकुमार जो फूलों की सज्जा पर सोता है उसकी माँ भी उससे उतना ही प्रेम करती है जितना कि एक गरीब की माँ अपने धूल भरे बच्चे से, काले कलुटे बच्चे से वैसे ही प्रेम करती है। क्योंकि ये प्रश्न आस्था का होता है, लेकिन आस्था सत्य पर अवलंबित होनी चाहिए कि हम किसको सत्य माने। आप देखेंगे संसार के अनेक धर्म ग्रंथों में ये वर्णित है कि ये ऐसा विशेष समय चल रहा है जिसमें सच्चिदानंद परब्रह्म की अलौकिक शक्ति का प्रकटन होता है। वैसे तो अवतारों की बात हमारी पौराणिक मान्यता में चला करती है। वेद का कथन है कि परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, परमात्मा कभी माता के गर्भ में नहीं आता। भगवान किसको कहते हैं जिसमें 6 गुण कार्य करते हैं, ज्ञान विवेक वैराग्य सिद्ध ऐश्वर्य और शक्ति। ये 6 गुण जिसमें होते हैं उसको भगवान की संज्ञा दी जाती है। आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आगे भगवान लगाइए, योगेश्वर श्री कृष्ण के आगे भगवान लगाइए, शिव जी के आगे भगवान शब्द लगाइए, गौतम बुद्ध के आगे भगवान लगाइए, महावीर के आगे भगवान शब्द लगाइए, सब चलेगा। लेकिन परमात्मा तो सारी सृष्टि का एक है। जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया, योगिराज शिव को जन्म दिया, ब्रह्मा को जन्म दिया, विष्णु को जन्म दिया, और जब यह सृष्टि नहीं थी तब भी वह था और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा। पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि सृष्टि के कल्याण के लिए विष्णु भगवान जन्म लेते हैं, ब्रह्मा जी सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और शिव जी सबका संहार करते हैं। यह पौराणिक मान्यता चल रही है। वस्तुतः अवतारवाद यहां से शुरू होता है कि सृष्टि के कल्याण के लिए अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लेकिन ध्यान रहे अवतार का अर्थ क्या होता है? अवतरित होना, किसी विशेष शक्ति का अवतरित होना जो अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष शक्ति को प्राप्त कर चुकी हो। जीव की 16 कलाएं होती हैं, श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 12 कला संपन्न कहते हैं, परशुराम जी को 10 कला संपन्न कहते हैं, लेकिन पूर्ण कला संपन्न योगिराज श्री कृष्ण को माना जाता है। ये विष्णु भगवान के अवतार है। कला का तात्पर्य क्या होता है, क्योंकि अभी कला की मैं व्याख्या नहीं कर सकता क्योंकि वो जटिल प्रक्रिया है। आप समझिए 16 विशेष अवस्थाएं जिसमें निपुणता प्राप्त हो। योगेश्वर श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न इसलिए कहा जाता है
कि जब वो सुदर्शन चक्र उठा ले तो उनके सामने युद्ध में कोई भी दुनिया में टिक नहीं सकता। जब वो ज्ञान की बातें करने लगे तो वेद व्यास जी भी उनके सामने नहीं टिक सकते। और जब ग्वाल बालों के साथ खेलने कूदने लगे तो नटखट लीला में भी उनके कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यानी किसी भी क्षेत्र में उनका कोई भी सानी नहीं है। तपस्या करने बैठे तो सबके छक्के छुड़ा ले। इसलिए सोलह कला संपन्न मर्यादा ये योगेश्वर श्री कृष्ण को कहा जाता है। ये शिष्ट के कल्याण के लिए जब तक प्रकट होते रहते हैं और इनकी यही कामना होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, धर्म की रक्षा करना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि गोगे, युग युग में मैं प्रकट होता रहूं, ये महापुरुषों की भावना होती है। परमात्मा कौन है? जो माता के गर्भ में नहीं आता, लेकिन उसको एक अनहोनी घटना के रूप में आना पड़ा। वह अवतारों में नहीं आता, भगवानों में नहीं आता। भगवान से, अवतार से, महापुरुष से, संत पुरुषों से, पैगंबरों से सबसे परे है वो, और सबका आराध्य है, सब उसको खोजते हैं। श्री जी पहुंचते हैं चिंतामणि की आत्मा को जागृत करने के लिए ठट्ठी नगर। चिंतामणि जी चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं। श्री जी एक पद बोलते हैं, बीजक के तीन भाग हैं, साखी शब्द और रमेनी। एक शब्द है, एक पलक से गंग जनिकसी हो गए 34 पानी, तीन पानी तो पर्वत ढांपे दरिया लहर समाने, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी भोले मधुरी पानी, उस मक्खी के मक्खन नहीं बिन पानी गर्भानी। कहते हैं एक पलक से गंग जनिकसी, जैसे मैं बैठा हूं आपके सामने, मेरी दो आंखें हैं, एक दाई आंख और एक बाई आंख। जो मेरे दिल में है वही आंखों से प्रकट होगा। यदि मेरे हृदय में घृणा है तो आंखों से प्रकट हो जाएगी। हम वाणी से छिपा सकते हैं लेकिन आंखों से हृदय की भाषा को छिपाया नहीं जा सकता। अक्षरातीत के दो नेत्र हैं, एक नेत्र प्रेम का है, एक नेत्र आनंद का है। एक पलक से गंग जनिकसी, परम धाम में अक्षरातीत क्या है? सत चित और आनंद। सत्य भी है, चेतन भी है और आनंद भी है। एक पलक यानी चितघन स्वरूप श्रीनाथ जी, जो चितघन है उसी से सत्य है, उसी से आनंद है। जैसे मेरे अंदर चेतना है तो मेरा दायां हाथ भी वैसे ही कार्य करेगा, बायां हाथ भी वैसे ही करेगा। यदि अंदर से चेतन निकल जाए तो न दायां काम करेगा न बायां काम करेगा। इसलिए जो चितघन स्वरूप जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, उन्हीं का दाहिना अंग है, उनकी सत्ता का स्वरूप, जिसकी इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, उसको कहते हैं अक्षर। कबीर जी ने इन्हीं अक्षर के परे अक्षरातीत के स्वरूप को दर्शाया है। कहते हैं अक्षर से औधु है न्यारा, परमात्मा अक्षर से परे है। और जो उसका वाम अंग है वो आनंद का सागर है, यानी सत चित और आनंद। परम धाम में चित और आनंद की लीला होती है, सत की लीला बेहद मंडल में होती है, जिसके लिए संतों की वाणी पुकार पुकार कर कहते हैं, हत के वासी मानवा बेहद में सब साथ, हत बेहद दोनों लखे ताको मत अगाध। सारी दुनिया तो हत में फंसी हुई है, हत से परे बेहद में कोई बिरला जाता है, लेकिन कोई भी बिरला होगा जो हत और बेहद दोनों से परे परम धाम को जानेगा। परम धाम कहाँ है? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, और अक्षर से भी परे वो अक्षरातीत है। अक्षर पार वतन है जागे इन घर। हमें ये मानना होगा कि हमारी परात उस बेहद से भी परे है, और असंख्यों गैलेक्सियां, असंख्यों सूर्य इस हद के ब्रह्मांड में जैसे समुद्र के अंदर पानी के बुलबुले डूबते उतराते रहते हैं, पैदा होते हैं, मर समाप्त होते हैं, उसी तरह से हमारी पृथ्वी जैसी असंख्यों पृथ्वियां गैलेक्सियों में से उत्पन्न होती रहती है, उसी में डूबती रहती है, और असंख्यों गैलेक्सियां उस निराकार मंडल से पैदा हो रही हैं और पानी के बुलबुले की तरह डूब जा रही हैं। इनको संचालित करने वाला एक आदि नारायण है, जिसकी इच्छा एकोम भव श्याम से सब कुछ हो रहा है। ये हद की पैदा हुई दुनिया
उस निराकार को भी पार नहीं कर पाती तो बेहद के बारे में क्या जानेगी। इसलिए बेहद से परे के वचनों को कोई भी जान नहीं सकता। जो उन वचनों का स्पष्टीकरण करता है समझ लेना चाहिए कि वह परब्रह्म की कृपा से संभव है। और इस सृष्टि में सबसे पहले इन वचनों को, अथर्ववेद के गुह रहस्यों को, गीता के तीनों पुरुषों की विवेचना, उपनिषदों के गुह रहस्यों का विवेचन कि दिव्य ब्रह्मपुरी ही ऐसा व्यम आत्मा प्रतिष्ठितम, कहाँ है दिव्य ब्रह्मपुर। इस उपनिषद को दुनिया पढ़ती थी, कोई नहीं जान पाता था कि ब्रह्मपुर कहाँ है। अब कबीर जी के उस पद का विवेचन कर रहे हैं श्री जी कि एक पलक से गंग जो निकसी हो गई 34 पानी। एक पलक क्या? चितघन स्वरूप अक्षरातीत के दिल में इच्छा हुई। इच्छा क्या क्या हुई कि मैं इनको अपनी पहचान दूं। गंगा का अर्थ होता है इच्छा। अक्षरातीत ने अपनी पहचान देने के लिए अपने दिल में जो इच्छा ली कि इनको यानी अक्षर को और अपने आनंद स्वरूप श्यामा जी को, अपने आनंद अंग को सत अंग को दोनों की मैं अपनी पहचान दूं। जैसे बाएं हाथ में क्या हो रहा है मुझे मालूम है, दाहिने हाथ में क्या हो रहा है मुझे मालूम है, लेकिन बाएं हाथ को दाहिने की पहचान नहीं, दाएं हाथ को बाएं हाथ की पहचान नहीं। बाएं हाथ में मेरा फोड़ा होगा तो दाहिने हाथ में ऑपरेशन नहीं करवाया जाएगा। इसमें मान ले कि फोड़ा इसमें हुआ है, पट्टी में इसमें बांधू तो इसका इलाज थोड़े होगा। इसमें ये आग पर ये मेरा हाथ चल जाए और इस पर मैं दवा लगाऊं तो क्या दर्द चला जाएगा। उसी तरह से जो सत्य की लीला कर रहे हैं वो आनंद की लीला को नहीं जानता, जो आनंद की लीला कर रहा है वो सत्य की लीला को नहीं जानता। दोनों को ये बताना है कि तुम मेरे ही स्वरूप हो, मुझ में और तुम्हारे अंदर कोई अंतर नहीं है। इसलिए अक्षरातीत ने जो अपने दिल में लिया इसको क्या कहते हैं, गंगा। एक पलक से गंग जनिकसी हो गए 34 पानी। जो राज्य ने अपने दिल में इच्छा ली वही श्यामा जी परम धाम के आत्माओं और अक्षर ब्रह्म के अंदर फैल गई। तीन पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर सुवानी। उस इच्छा रूपी जल में, गंगा के जल में दोनों पर्वत अनंतंग और सतंग डूब गए। उड़ मक्खी तरवर पर बैठे। मक्खी क्या है? परब्रह्म के आदेश की शक्ति। तरवर क्या है? संसार रूपी वृक्ष। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी बोले मधुरी वाणी। अमृतमयी वाणी बोल रही है संसार के लोगों, सच्चिदानंद परब्रह्म का प्रकटन होने जा रहा है अनहोनी घटना के रूप में। न जाने कितनी बार सृष्टि बनी और कितनी बार इसके बाद भी बनेगी, लेकिन कभी ये घटना नहीं हुई थी कि सच्चिदानंद परब्रह्म का इस नश्वर जगत में पदार्पण हो। क्योंकि सत्य सुपने में क्यों कर आवे, सत्य साई है न्यारा। सूरज अंधेरे में नहीं आ सकता क्योंकि सूर्य के सामने अंधेरा कभी ठहर ही नहीं सकता, लेकिन परम धाम के आत्माओं को यह बोध कराना है स्व लीला अद्वैत क्या है। दुनिया द्वैत से पैदा हुई है, द्वैत में रहती है, अद्वैत है बेहद, और बेहद से परे परम धाम का ज्ञान देना था, इसके लिए आना पड़ा। उड़ मक्खी तरवर पर बैठी परब्रह्म के आदेश शक्ति से संसार के सभी धर्म ग्रंथों में परब्रह्म की पहचान का संकेत दिया गया। वेद में, उपनिषद में, दर्शन में, संतों की वाणियों में, वाणियों में, कुरान में, बाइबल में, दुनिया उन ग्रंथों को पढ़ती है लेकिन बिना तारतम ज्ञान के प्रकाश के कौन जान सके। उस मक्खी के मक्खा नहीं, जैसे मक्खी का एक पति होता है, लेकिन मक्खी का पति कोई नहीं है क्योंकि वह स्वयं परब्रह्म के आदेश की शक्ति है। उड़ मक्खी के उस मक्खी के मक्खा नहीं बिन पानी गर्भानी। और परब्रह्म की इच्छा शक्ति से उसने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उड़ मक्खी उस मक्खी तीनों गुण जाए वो तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को पूछे सो सतगुरु में जेला। कबीर जी कहते हैं कि उस मक्खी की इच्छा शक्ति से तीनों गुण सत्व रजतम यानी मोह सागर में प्रकट होते हैं, मोह सागर के रूप में, और उसी मोह सागर में नारायण का प्रकटन होता है, सृष्टि का विस्तार होता है जिसमें परम धाम के आत्माओं का पदार्पण होता है। यह सबसे बड़ी गुह रहस्य की बात होती है जिसको दुनिया जान नहीं सकती। वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि यह सृष्टि कहां से पैदा हुई है और कहां चली जाती है हमें नहीं मालूम, स्पष्ट कहा है।
जो चारों वेदों का विद्वान होगा वो भी इन रहस्यों को जान नहीं पाता कि सृष्टि पैदा कहाँ से होती है, लय कहाँ से होती है। बस इतना कह देंगे कि महाप्रलय में केवल अंधकार ही अंधकार रह जाता है, केवल प्रकृति रहती है। क्या रूप है, क्या कहाँ से प्रकृति अनादि है, प्रवास से अनादि है या मूल से अनादि है, दुनिया इसको यथार्थ रूप में जान नहीं पाती। अब कौन आया है? कृपा का निधान सुंदर वर श्यामा, आनंद का सागर है वो सस्तानंद पर, और वही हरिद्वार में आए हैं। हिंदू धर्म के सारे आचार्य वहां आए, वैष्णव मत के सारे संप्रदाय हैं, निम्बार्क है, माधवाचार्य है, विष्णु श्याम है, रामानुज है, छह दर्शनों के आचार्य वहां बैठे हुए हैं, दस नाम संन्यास मत के आचार्य बैठे हुए हैं, और सबको ये दर्शना है कि कौन है परब्रह्म, कहाँ है परब्रह्म, कैसा है परब्रह्म, हम कौन है, आए कहाँ से, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ। इतने भाई बहन बैठे हुए हैं, क्या आपके पास इन प्रश्नों का उत्तर है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ चले जाएंगे? छोटे बच्चे को कह दिया जाता है कि भगवान ने भेज दिया है तुम्हें, वो बच्चा यही आदर करता रहता है कि हम भगवान के पास से आए हैं। लेकिन इस छोटे तोतले शब्दों में बहुत बड़ी बात होती है, हम भगवान के पास से आए हैं, और कोई शरीर छोड़ जाता है तो बोलचाल में क्या कहा जाता है, भगवान के पास ही चले गए। जहां ज्ञानियों की दृष्टि नहीं पहुंच पाती वहां तक छोटे छोटे बच्चों की भाषा में बहुत कुछ कह दिया जाता है, लेकिन इस तथ्य को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। मोटे मोटे तौर पर यदि हम देखें तो हमारे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता हमारे शरीर का निर्माण कर देते हैं, चेतना कहाँ से आती है, कितने जन्मों से वो शरीर में भटक रही है, कितने पशु पक्षियों का शरीर धारण किया, कितनी बार कीट पतंगों का तन धारण किया, इसको कोई जान नहीं पाता है। कभी यही तन यही जीव आचारी बन जाता है, कभी योगी बन जाता है, कभी राजा बन जाता है, कभी पक्षी बन जाता है। बोधिसत्व यानी गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा के पात्र हैं। एक जन्म में गौतम बुद्ध भैंसा की ओनी में होते हैं। एक बंदर बहुत शरारत करता है, जब देखो तब तंग करता रहता है, कान में खोदता है। देवगढ़ पूछते हैं कि भगवान आप तो कुछ जन्मों के बाद आपको बुद्धत्व प्राप्त होने वाला है, कहिए तो हम इसका इलाज करते हैं। कहते हैं कि नहीं, ये बेचारे बंदर हैं, कर रहे हैं, करने दो। वही जीव जो किसी जन्म में भैंसे की योनि में जाता है, किस जन्म में हाथी बनता है, किस जन्म में वो स्वयं बंदर बनते हैं, किस जन्म में राजा बनते हैं, किस जन्म में आचार्य बनते हैं, शरीरों के रूप बदल जाते हैं, चेतना के ऊपर जो ज्ञान का प्रकाश पड़ता है, कर्मों के फल की जो वासना रहती है कम अधिक होती जाती है, लेकिन यदि तारतम ज्ञान का प्रकाश मिल जाता है तो पता चल जाता है कि यथार्थ में कि हम कौन हैं, हम शरीर हैं, इंद्रियां हैं, अंतःकरण हैं, या इससे भी परे हमारा कोई और स्वरूप है। हमारी इंद्रियों का स्वरूप कोई देख नहीं सकता, किसी सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता, अंतःकरण को नहीं देखा जा सकता, जीव को नहीं देखा जा सकता, उससे परे का ज्ञान है अध्यात्म, जहां विज्ञान की सारी प्रयोगशालाएं बेकार हो जाती हैं, सारे यंत्र बेकार हो जाते हैं, मनुष्य की बुद्धि जहां समाप्त हो जाती है वहां से अध्यात्म ज्ञान शुरू हो जाता है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं समझ लेना चाहिए कि अध्यात्म बुद्धि का प्रयोग न करे। हमारी बुद्धि यदि सत्य को ग्रहण करने की क्षमता रखती है तो सत्य का विवेक करें, क्या सत्य है क्या असत्य है। धर्म अंध परंपरा नहीं सिखाता, निरुक्त ने कहा है तर्क ऋषि है। सत्य को जानने की जिज्ञासा से तर्क कीजिए और अपनी बुद्धि को इतना सूक्ष्म और निष्पक्ष बनाइए कि आप सत्य को ग्रहण कर सकें और असत्य का परित्याग कर सकें। आंख मूंद कर चींटी हार ऊंट कतार की तरफ कभी नहीं चलना चाहिए। अंधविश्वासी और रूढ़िवादी होने से नास्तिक होना अच्छा है, क्योंकि नास्तिक कभी भी परिवर्तित होगा तो सच्चे हृदय से परमात्मा पर समर्पित हो जाएगा। लेकिन रूढ़िवादी व्यक्ति का कभी इलाज नहीं होता, ना अंधविश्वासी का इलाज होता है। रूढ़िवादी व्यक्ति को कह दीजिए कि देखिए एक गड्ढा भरना था, एक ने सोचा कि कैसे भरा जाएगा, ऐसे भरने में तो बहुत पैसा लगेगा, उसने तय किया कि देखो
हमको रात को सपना आया है, जो इस गड्ढे में एक एक मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा लाकर भरेगा उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है। सब लोगों ने थोड़ी देर में भर दिया, इसको कहते हैं अंधविश्वास। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम हिंदुआ गाधा बताओगे? हिंदुआ गाधा किसको कहते हैं? कहता है कि हुजूर मैं आपको कल बता दूंगा। वो चौराहे पर बैठ गया और कहा कि एक जूता रख दिया और सारे लोगों को बुलाकर कहा कि देखो भगवान राम जब यहाँ से गुजरे थे तो उनका ये खड़ाऊ उनकी खड़ाऊ एक छूट गई थी और मुझे उसकी पूजा करनी है। थोड़ी देर में उस पर फूलों के ढेर लग गए। अकबर गुजरा, बताया कि देखो इसको हिंदुआ गाधा कहते हैं। कहने का ऐसे क्या अंधश्रद्धा पर मोड़ देना, किसी ने विवेक नहीं किया कि क्या इस रास्ते से सचमुच में मर्यादा पुरुषोत्तम राम गए थे? मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो पुष्पक विमान से सीधे लंका से अयोध्या चले गए थे, वहां पैदल चलकर थोड़े गए थे। यानी धर्म और अध्यात्म के नाम पर भोली भाली जनता को भटकाया भी बहुत जाता है। विवेक से सत्य को जानिए और ध्यान समाधि में बैठकर अपनी अंतरात्मा से पूछिए क्या यह सत्य है। यदि सत्य है तो उस पर समर्पित हो जाइए, सत्य नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अब कह रहे हैं कृपानिध सुंदरवर श्यामा। भले भले सुंदरवर श्याम। भले भले यानी कितना अच्छा हुआ कि सच्चिदानंद परब्रह्म के चरण कमल पड़े। और ये चरण कमल किसके हैं? जाको सब कोई खोज ही ये खोले मैंने तिम। सारी दुनिया किसको खोज रही है? उस सच्चिदानंद परब्रह्म को। आप सारी दुनिया का भ्रमण कराइए, ऐसी ही धरती मिलेगी, ऐसा ही आकाश मिलेगा, ऐसे ही मनुष्य मिलेंगे। रूप रंग थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। इंग्लैंड कनाडा में जाएंगे तो सफेद चमड़ी के लोग मिलेंगे, अफ्रीका में जाएंगे तो काली चमड़ी के लोग मिलेंगे, लेकिन दो हाथ दो पैर दो आंख दो कान सब जगह मिलेंगे। पांच तत्व तो हर जगह मिलेगा, वैसे ही सड़कें मिलेंगी, मकान मिलेंगे। हाँ कहीं अमीरी दिखाई देगी, कहीं गरीबी दिखाई देगी, लेकिन सृष्टि में पैदा हुआ हर मानव किसी न किसी रूप में परमात्मा को खोज रहा होगा। वो जानना चाहता होगा कि वास्तव में मैं कौन हूँ। एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर राष्ट्रपति तक को भी शांति चाहिए और त्वर स्वर्ग के राजा इंद्र को भी शांति चाहिए, वैकुंठ में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु शिव को भी शांति चाहिए। शांति तो सबकी खोज में है, सबको परम शांति चाहिए। इस दुनिया में न शांति है, न पूर्ण आनंद है, न पूर्ण प्रेम है, न पूर्ण समर्पण है। कहाँ मिलेगा? ये केवल परम धाम में, जहाँ केवल आत्मा है, जहाँ केवल परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा की जहाँ अखंड लीला है उसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। और उसका रहस्य बताने के लिए अक्षरादेव अपनी वाणी के द्वारा बता रहे हैं और उन्हीं का आवेश स्वरूप प्रकट होता है। महामती जी के धाम हृदय में जो हरिद्वार के शस्त्रार्थ में आए हैं, सारे आचार्य जन बैठे हैं, सबसे शस्त्रार्थ होता है और सभी हार कर मान लेते हैं कि सचमुच आप ही विजया अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। विजया अभिनंद किसको कहते हैं? विजय जिसका अभिनंदन करती रहे। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं होगा जो हारा ना हो। हर व्यक्ति को कभी न कभी हारना पड़ता है। देखेंगे यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास भगवान शिव की कृपा से वह शक्ति नहीं मिली होती तो रावण का विनाश होना संभव नहीं था, न मेघनाथ का विनाश हो पाता। इसी तरह से महाभारत के युद्ध में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिसमें बुद्धि बल का प्रयोग नहीं किया गया होता, न द्रोणाचार्य को कोई मार सकता था, न विष्णु पितामह को कोई मार सकता था और न कर्ण कोई कर्ण को मार सकता था। योगेश्वर श्री कृष्ण भी सब कुछ सर्वशक्तिमान होते हुए भी सब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि कहीं न कहीं धर्म की मर्यादा से वो भी बंधे हुए थे। लेकिन यह ऐसा स्वरूप है जिसका विजय पल पल अभिनंदन करती है, सारे ब्रह्मांड की शक्ति जिसके चरणों में हाथ जोड़े खड़ी रहती है। और इसमें एक विशेषता क्या है? यह स्वरूप निष्कलंक स्वरूप है। निष्कलंक का अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई अपूर्णता न रह जाए। अक्षर ब्रह्म को परम धाम की प्रेम लीला की जानकारी नहीं है। और अक्षर ब्रह्म की जानकारी
अक्षर के चतुष्पाद विभूतियों में जो हंस रहते हैं उनको भी मूल अक्षर की जानकारी नहीं है, और दुनिया के बड़े बड़े योगियों को भी निराकार से परे बेहद मंडल की खबर नहीं है। बेहद मंडल के सभी लोगों को मूल अक्षर का पता नहीं है और अक्षर ब्रह्म को अक्षरातीत की पूरी जानकारी नहीं है। अक्षरातीत के महल में प्रेम इष्ट वर्तत सोशुद्ध अक्षर को नहीं जो किन्वित केल करत, ये विशेषता है। आज चारों वेदों के विद्वान से मिले, शरीर को क्या कह देंगे? अक्षर। अक्षर किसको कह देंगे? जीव को। और अक्षरातीत किसको कह देंगे? जो जीव का जो स्वामी है, प्रण ओंकार कहिए, आदि नारायण कहिए, ईश्वर कहिए, सबल ब्रह्म कहिए, हिरण्य गर्भ कहिए, उसको कह देते हैं। गीता का पाठ तो सभी करते हैं और बार बार पढ़ते हैं, यस्माक्षरात अतीतो हम अक्षरात अपि च उत्तमं वेदे च लोकेऽस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तमः। क्षर से परे, अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है वही परमात्मा है। लेकिन गीता का पाठ करने के बाद भी भक्ति किसकी करेंगे? कोई हनुमान जी की भक्ति करेगा, कोई गणेश जी की करेगा, कोई शंकर जी की करेगा। दुनिया ये नहीं देखती है कि जिस गीता को हम पढ़ रहे हैं उस गीता में लिखा क्या है। भारतवर्ष ने गीता को पढ़ा है, गीता को आचरण में उतारा नहीं है। भारत के लोग आलसी होते हैं अपने देश में, जब विदेश में जाते हैं तो कर्मठ हो जाते हैं। गीता कहती है निष्काम कर्मयोगी बनो। गीता निठल्लेपन का आदेश कभी नहीं देती है। गीता कर्म से भागने का उपदेश नहीं देती, हाँ लेकिन फल में आसक्ति का भी उपदेश देती है। कर्म करते हुए सब कुछ रहो, सबसे परे रहो। राजा जनक सिंहासन पर बैठे हुए भी सिंहासन के मुंह में नहीं है। आज संन्यास का अर्थ लगा लिया जाता है कि कुछ नहीं करना। कर्म से रहित तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब हवा बहती है, सूरज उगता है, चंद्रमा उगता है, जड़ पदार्थ जब क्रियाशील है तो चेतन कहां से निष्कर्म हो सकता है। कर्म करें लेकिन सत्य के अनुकूल करें और निष्काम कर्म करें। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण के इन कथनों को न हिंदुस्तानियों ने अपनाया, न वर्तमान समय में अभी अपनाने के लिए पर चल रहे हैं। क्षर अक्षर अक्षरातीत की पहचान का संकेत होते हुए भी आज देश का हिंदू समाज बहुसंख्यक रूप से कहीं ना कहीं अक्षर अक्षरातीत से कोसों दूर है और काल्पनिक देवी देवताओं की भक्ति में लगा हुआ है। जो प्रत्यक्ष चेतन देवता है उनको तो कोई खिलाता नहीं। आप जगन्नाथपुरी में जाइए, प्रतिदिन 56 भोग लगते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि भाई हमने तो जगन्नाथ जी की मूर्ति को बनाया है। एक साधारण भिक्षुक आता है, क्या जगन्नाथ उसके अंदर नहीं बैठे? उसको दो मुट्ठी अन्न नहीं दिया जाता, सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं दिया जाता, दूध काट कर भगा देते हैं भग जाओ, और मिट्टी के जगन्नाथ को, लकड़ी के जगन्नाथ को, पत्थर के जगन्नाथ को 56 भोग बनाते हैं। ये तो हमारी मान्यता हो सकती है। जो सारी सृष्टि का परमात्मा, गीता कहती है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति अर्जुन। अर्जुन सभी प्राणियों के हृदय मंदिर में परमात्मा है। हृदय में बैठे हुए परमात्मा को कोई दुनिया पूजना नहीं चाहती। जो प्रत्यक्ष चेतन देवता है, माता पिता अतिथि आचार्य, इसको कोई प्रणाम तक नहीं करना चाहता। और पत्थर के भगवान को बार बार नतमस्तक होते हैं, वृक्ष को बार बार नतमस्तक होते हैं। आज के पेपर में मैंने देखा बहने आंवला की पूजा कर रही थी। आराध्य तो सर्वोपरि होता है, कोई आंवले को जड़ से काट दे तो आपका देवता कहां चला जाएगा। मुसलमानों ने जब मूर्तियों को गिराना शुरू कर दिया, हिंदुओं ने सोचा कि हमारे तो भगवान ही नष्ट हो गए, और परिणाम यह हुआ कि गांव के गांव लोग अपना धर्म छोड़ बैठे। याद रखिए, जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है, उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। इसलिए आवश्यकता है कि हम परमात्मा के स्वरूप को जाने, और ज्ञान को जानने, सत्य को जानने के लिए हमें ज्ञान के प्रकाश में आना पड़ेगा, अंधकार में से निकली हुई रूढ़िवादिता को छोड़ना पड़ेगा, धर्मांधता का परित्याग करना पड़ेगा, तब यथार्थ में हमें बोध होगा कि सत्य क्या है। और ये हिंदू समाज में जब तक अशिक्षा रहेगी, धार्मिक शिक्षा हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को बोध मिल पाती है। जब तक समाज में धार्मिक शिक्षा नहीं बढ़ेगी, ऐसे ही अंधविश्वास पड़े रहेंगे। जो चेतन देवता है, उपनिषदों में क्या कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, पति देवो भव।
माता पिता अतिथि आचार्य और पति के लिए पति देवता है, पति के लिए पत्नी देवी है। हम प्रत्यक्ष चेतन देवता देवी का तो अपमान करते हैं और जड़ देवता की पूजा करते हैं, परिणाम क्या होगा? हम अंधकार में भटकते हैं। सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता हमारे हृदय मंदिर में बैठा रहता है, उसे आंखें बंद करके हम अंतः चक्षुओं से देख नहीं पाते, अंतः की जीवा से बोल नहीं पाते, अंतः श्रवण से उसकी आवाज नहीं सुन पाते और हम भटकते रहते हैं तीर्थों में। अमुक तीर्थ पर चले जाएं तो हमारा कल्याण हो जाएगा, पानी में डुबके लगा लें हमारे पाप धो जाएंगे, ये कभी नहीं होगा। जब तक जान की गंगा में स्नान नहीं करेंगे आपका मन कभी भी पवित्र नहीं होगा। प्रेम की सत्ता में स्नान किए बिना आप कभी निर्विकार नहीं हो सकते। ज्ञान का प्रकाश तभी मिलेगा जब आप ज्ञान की शरण में आएंगे और जानेंगे कि वास्तव में मैं कौन हूँ, तभी धर्म और अध्यात्म की सत्ता आपके सामने प्रवाहित होगी, जिसमें डुबके लगाकर आप अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। और हरिद्वार में यही कराने के लिए श्री जी का स्वरूप प्रकट हुआ है। सारे आचार्य नतमस्तक हो जाते हैं उनके तारतम ज्ञान के सामने। श्री जी एक ही प्रश्न पूछते हैं, बताओ जब महाप्रलय होगा तो परमात्मा का स्वरूप कहाँ रहेगा और आपका स्वरूप कहाँ रहेगा? इस एक प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। कोई कहता है वैकुंठ में चले जाएंगे, कोई कहता है निराकार में चले जाएंगे, किसी ने बेहद का नाम नहीं लिया, परम धाम की बात तो दो। श्री जी सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि हिंदू समाज का शीर्षस्थ वर्ग यहाँ उपस्थित है। वैष्णव के चारों आचार्य हैं, 10 नाम सन्यासी मत हैं, 6 दर्शनों के विद्वान बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि जब महाप्रलय होगा तो क्या होगा। अब श्री जी इन समस्त धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से जब ये बोध कराते हैं तो सारे आचार्य जन नतमस्तक हो जाते हैं, उनके नाम की ध्वजा फहराते हैं और मानते हैं कि हम आपको विजया अवनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में स्वीकार करते हैं। ऐसा स्वरूप जिसके ज्ञान में किसी भी तरह की अपूर्णता न हो, वो जानता है क्षर क्या है, अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है, जो वेद उपनिषद दर्शन संत साहित्य सबके रहस्यों को मर्मज्ञ है, जो जानता है कि सृष्टि से पहले क्या था और सृष्टि के लय होने के बाद क्या होगा, आत्मा का स्वरूप क्या है, परब्रह्म का स्वरूप क्या है, कैसे उस सच्चिदानंद परब्रह्म को प्राप्त करें। जब से ये सृष्टि पैदा हुई है यही जिज्ञासा हर मनुष्य के अंदर बनी रहती है। भोली भाली जनता तो पीछे चलने वाली होती है, उसको तो जो रास्ता दिखा दिया जाएगा भोली भाली जनता आंख मुद पर मुद कर उस पर चलने वाली होती है। उत्तरदायित्व अग्रगण्य जनों का होता है कि समाज को सरल और सच्चा मार्ग दिखाएं, ताकि आने वाली पीढ़ी कभी भी भटकते ना पाए। किंतु जब आप सब्जी के बाजार में जाते हैं तो सड़ी गली सब्जी कोई भी नहीं लेता, लेकिन धर्म है जिसमें आस्था की चादर ऐसी उड़ा दिए जाते हैं, कहा जाता है कि तुम्हें सोचना नहीं है, जो कहा जाता है वही माननी है। ये तो जरूर है, जब ध्यान की प्रक्रिया आप सीखने जाते हैं किसी से तो वो क्रियात्मक जीवन होता है, उसमें तर्क वितर्क नहीं होता, लेकिन जब सिद्धांत को समझने की बात है उसमें तर्क वितर्क अवश्य होना चाहिए। अपने बुद्धि के दरवाजे खोलिए, निष्पक्षता के तराजू पर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए कि क्या ये बात सच है। एक बार मैं एक मंदिर में गया हुआ था, वो चंचल जी के परिचित लोग थे, वैष्णव संत महात्मा गा रहे थे, सियाराम जी पूर्ण ब्रह्म है, सियाराम जी पूर्ण ब्रह्म है। मैं सोच सोच करके हंस रहा था कि भाई इन भोले भाले लोगों को कौन बताए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अवतार है विष्णु भगवान के, और रामचरित मानस में लिखा है शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजय चास अंश देना, किसके अंश से, नेत नेत जय वेद निरूपा, वेदों ने जिसका न इति न इति कह करके वर्णन किया, निजानंद निरूपाध रूपा, उस आदि नारायण के अंश से अनेकों ब्रह्मा विष्णु नाना यानी अनेकों असंख्य ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न होते हैं। और नारायण क्या है, अक्षर का संकल्पिक मन, अक्षर के मन अव्याकृत का संकल्पिक रूप है नारायण, अव्याकृत से परे है सबलिक केवल सचरूप, उसके परे है अक्षर और अक्षर से परे है अक्षरातीत। और विष्णु के 24 अवतारों में राम आते हैं और राम को कह दिया श्री राम जी पूर्ण ब्रह्म है,
आप उन बेचारे भोले भाले लोगों को आप समझाएंगे कि वेद में ऐसा लिखा है, कहते हैं कि हम तो आपके वेद को नहीं मानते, हम तो रामचरित मानस को मानते हैं, और रामचरित मानस की भी चौपाई कहिए, कहेंगे कि हम आपके अर्थ को नहीं मानते। ये रूढ़िवादिता हिंदू समाज के लिए घातक है। जब तक आप अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनेंगे, जब तक आप किसी मत पंथ की कट्टरता से जुड़े रहेंगे, तब तक आप सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भौरा क्या करता है, अनेक फूलों से पराग चूसता है। वो नहीं देखता कि मुझे केवल गेंदे का पराग लेना है, मुझे केवल चमेली का पराग लेना है, जो भी फूल आए उसका पराग चूसना उसको कर दे, उसको अच्छा लगता है, उसकी प्रवृत्ति है हर फूल से पराग चूसना, चाहे सरसों का ही फूल क्यों ना हो। उसी तरह से ज्ञान के जिज्ञासु को जहां से भी ज्ञान के कुछ रत्न प्राप्त हो उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि जो बात हमने सुनी क्या वह सच है। यदि अंतरात्मा साक्षी देती है तो उसको ग्रहण कर लीजिए, अंतरात्मा से साक्षी नहीं मिलती है तो उसका प्रत्याग कर दीजिए। यदि हर मानव ऐसा करने लगे तो सारे धार्मिक अंधविश्वास समाप्त हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा लगेगा कि सारी दुनिया में एक धनी भजन एक है, एक परमात्मा की महिमा फैल जाएगी, एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को हर प्राणी मानने लगेगा, चाहे वो भारत में रहने वाला हो, पाकिस्तान का रहने वाला हो, अरब का रहने वाला हो, या रसिया अमेरिका का रहने वाला हो। लेकिन आज तो एक एक परिवार में कई कई पंथों के अनुयायी होते हैं, देश और प्रांत की बात तो अलग, और सबके अंदर मनमुटाव बना रहता है। हिंदू समाज में 1000 पंथ हैं और सभी पंथ वाले आपस में लड़ते रहते हैं, कहेंगे कि हमारा पंथ बड़ा है, हमारे गुरुजी सबसे बड़े हैं, हमारे गुरुजी जैसा न कोई हुआ है न कोई होगा। ऐसी ही बात एक बार गौतम बुद्ध के सामने उनके एक शिष्य ने कही कि भगवान, आप जैसा ज्ञानी न तो इस सृष्टि में कोई हुआ है न कोई होने वाला है। बुद्ध थोड़ी देर तक सुनते रहे, कहते उसके पश्चात कहे, देखो तुमने भोलेपन में इस तरह की बात कह दी, भविष्य में कभी भी नहीं कहना। मुझसे पहले न जाने कितने बुद्ध हो गए हैं और मेरे बाद भी अनेकों बुद्ध होंगे। मेरे बाद जो बुद्ध होने वाले हैं वो मेरे से कई गुना ज्ञानी होंगे, और जो उनके ज्ञान को ग्रहण कर लेगा वो भूसागर से पार हो जाएगा। वो उन्होंने सांकेतिक रूप से यह बात कर दी। वही संकेत विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के लिए है। आज सारे संसार में विपसना योग का प्रचार है। विपसना की पद्धति वालों से पूछिए तो शून्यवाद के सिवा कुछ नहीं मानते, न वो आत्मा को मानते हैं न परमात्मा को मानते हैं, बस इतना मानते हैं कि श्वासों पर ध्यान केंद्रित करने से हमारे मन की सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं, शून्य अवस्था जो प्राप्त हो जाती है, और विपसना के अंतिम चरण में हम परम निर्वाण कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसके सिवा न उनके लिए कोई आत्मा है न कोई परमात्मा है। लेकिन यह विचारधारा जहां समाप्त हो जाती है उसके परे बेहद मंडल का ज्ञान शुरू होता है, उसके परे अक्षर और अक्षरातीत का ज्ञान शुरू होता है। तारतम वाणी का प्रकाश धाम धनी ने अपनी कृपा देश से हमारे लिए किया है, और यह तारतम वाणी किसी एक संप्रदाय की विरासत नहीं है, यह सबके लिए है, सारी सृष्टि के लिए है, हर मत पंथ के लिए है। वस्तुतः यह संप्रदाय नहीं, इसको तो संप्रदाय के बंधन में बांध दिया गया है। परम धाम की ब्रह्मवाणी ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक के लिए है। वाणी के दृष्टि में न कोई ब्राह्मण है न कोई शूद्र है न क्षत्रिय है न वैश्य है, न अमीर है न गरीब है, न हिंदू है न कोई मुस्लिम है। सारे मानव जाति एक है, संसार के सारे प्राणी एक है, और सबको यह आभास कराना है कि सबका परमात्मा एक है, जिसको कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। और उसको पाने के लिए तारतम ज्ञान के प्रकाश में हमें समझना होगा, बैठ कर आंखें बंद करके परम धाम में अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, और युगल स्वरूप की शोभा को अपने दिल में आत्मसात करना होगा। जब प्रियतम परब्रह्म की छवि हमारे धाम हृदय में अंकित हो जाएगी तो हमारे लिए ये झूठा संसार कुछ भी नहीं रहेगा। आज आप देखोगे इसी गुजरात में तो भेंट द्वारका है, बेचारा गरीब को जाए उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो भगवान दर्शन भी नहीं देंगे। पंडित लोग कहेंगे कि आपको दर्शन नहीं मिलेगा, पता नहीं कई घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भी दर्शन न मिले भगवान को, भगवान का, क्योंकि पास में पैसे नहीं है। तो कैसे भगवान है जो पैसे लेकर ही दर्शन देते हैं। परमात्मा
आपके हृदय मंदिर में पल पल विराजमान हो सकता है। माया का पर्दा हटा दीजिए और अपने हृदय मंदिर में 24 घंटे में कभी भी देख सकते हैं। वो पैसा नहीं मांगता, वो केवल प्रेम चाहता है। प्रेम और समर्पण जिसके पास आ गया, वो तो पल पल आपके सामने उपस्थित होने के लिए आपसे ज्यादा इच्छुक है। क्या कहता है, मैं लिखा है तुमको एक बार करो मोहिसा, 10 बार जी जी करूं कर कर तुमको याद। तुम मुझे एक बार सारी दुनिया को भुला दो, पल भर के लिए सबसे नाता तोड़ लो और मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देता हूं। कबीर जी ने क्या कहा है, बहुत सरल शब्दों में, तन स्थिर, शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, सूरत निरस्थिर हो जाए, सूरत भी स्थिर हो जाए और निरत भी स्थिर हो जाए। 7 सूरत होती है, 7वीं सूरत के बाद 8वीं निरत होती है। कह कबीर ता पलक की कल्पना पावे को, पल भर के लिए यानी आंखों के पलकों की झपकने और बंद में होने में जो समय लगता है, उतने समय के लिए यदि यह स्थिति हो जाए तो कल्पना पावे को परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, बेहद मंडल में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन कल्प भर, एक कल्प में कितना समय होता है, 4,32,00,000,000 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता रहे, जप तप करता रहे, परिक्रमा करता रहे तो भी उसको दर्शन होने वाले नहीं है। लेकिन पलक झपकने के लिए भी तन थिर मन थिर पवन थिर सुरत निरत थिर हो, यदि ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो प्रीतम का दर्शन हो जाता है, यानी बेहद मंडल का। लेकिन बेहद से परे परम धाम का मार्ग जो अलौकिक है, जो तारतम वाणी में श्री जी ने दर्शाया है, पंथ होवे कोट कलप प्रेम पहुंचावे मिने पलक, जो तारतम ज्ञान का प्रकाश लेकर अपने हृदय में युगल स्वरूप की भावना रख लेते हैं कि परम धाम में मेरी सुरता 14 लोक अष्टावरण वाले इस ब्रह्मांड को पार कर, निराकार को पार कर, बेहद मंडल को पार कर, अक्षर को पार कर मूल मिलाव में पहुंच गई है और वो परम धाम की शोभा से युगल स्वरूप मेरे धाम हृदय में विराजमान है। प्रेम के रस में यदि पल भर के लिए हो गया तो सारा परम धाम आपके हृदय मंदिर में प्रकाशित हो जाएगा। इतना ऊंचा ज्ञान होने के बावजूद भी हम भटक रहे हैं, यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। वाणी का ज्ञान संसार में फैलाएं, अंधकार में भटकते हुए को हम मार्ग दिखाएं, इससे बड़ा पुण्यकार और कुछ भी नहीं होता। हम बड़े बड़े भंडारे कर सकते हैं लेकिन यदि मानव के हृदय में ज्ञान की पिपासा बनी रहे, मानव के हृदय के ज्ञान की प्यास को नहीं बुझा सके, उसको सही मार्ग नहीं दर्शा सके तो हमारे सारे क्रियाकांड व्यर्थ हो जाते हैं। मैं सब धर्म प्रेमी सज्जनों से ही आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र में साहित्य बांटिए, जो गरीब धर्म प्रेमी है उनको फ्री में साहित्य दीजिए ताकि वे समझें परमात्मा कहते किसको है, हमारा मानव जन्म मिला कैसे है। अब खीर पूरी खा लेंगे क्या होगा, कुछ घंटों के बाद पच जाएगा, मल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ज्ञान का प्रकाश किसी के अंदर चला जाएगा तो उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। बेचारा लाखों जन्मों से भटक रहा है, कभी पक्षी बनता है, कभी पतंगा बनता है, कभी पशु बनता है, लाखों जन्म जन्म से भटकने वाले उस प्राणी को मुक्ति की राह दिखाइए, वो तभी संभव होगा जब ज्ञान और प्रेम का एक साथ मिलन होगा। ज्ञान से रास्ता दिखाया जाएगा और प्रेम से उस परब्रह्म के स्वरूप में डुबोया जाएगा। इसी को अध्यात्म कहते हैं, यानी भौतिकता से छोड़कर आत्म तत्व के प्रति गमन ही अध्यात्म है। अध्यात्म किसी पूजा पाठ का नहीं है। मैं आशा करूंगा कि आप मेरे वचनों को अंगीकार करेंगे और कर्मकांडों से परे होकर वाणी के ज्ञान के फैलाव की दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृपा निध सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्यामा, उपजो सुख संसार में, आए धनी श्री धामा, आए धनी श्री धामा।